इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर वन के साथ ही अपराधियों का गढ़ भी बनता जा रहा है। दो दिनों से हो रही हत्याकांड की घटनाओं के चलते शहरवासियों से लेकर व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है। कुछ ऐसा ही इंदौर के सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला। इंदौर शहर के विकास के लिए केंद्र मंत्री से लेकर राज्य के मंत्री तक लगे हुए हैं, लेकिन शहर के बेखौफ आरोपी हैं जो यहां का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां देर रात फिर से अज्ञात आरोपियों ने मुसाखेड़ी के रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर कपिल मेघ पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को अन्य दोस्तों के द्वारा MY हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कपिल का कुछ लोगों से पुराना विवाद था, जिसके कारण कपिल को मौत के घाट उतारा गया। अभी एक हत्या की जानकारी थाने में मिली है, जिस पर से हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। कपिल नाम का व्यक्ति है, मुसाफिरी क्षेत्र का रहने वाला है। वीडियो कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर ही कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उसके ऊपर हमला किया है। घटना की जानकारी ली जा रही है कि क्या वजह थी, उनका कोई आपसी रंजिश थी, कोई झगड़ा था, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। आगे जैसे ही कोई जानकारी मिली वो आपको सूचित करेंगे। हम वहाँ पे ताश के पत्ते और शराब की भी जी कुछ वस्तुएं मिली हैं वहाँ पर, तो उसी की पूछताछ की जा रही है। उसके जो साथी हैं उनको लाया गया पूछताछ के लिए कि घटना की पूरी संपूर्ण डिटेल वो दे सके हमें, कि घटना क्या हुई है और किस तरीके से हुई है। लोगों की अगर वो शिनाख्त कर सकते हैं तो उनकी जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं। हम कैसे देखते हैं लगातार शहर में बदमाशों ने एक बार पुलिस का खूब कम मुताबिक जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पुलिस अपने लेवल पर हर तरीके के प्रयास कर रही है, बदमाशों पर हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके के बदमाश का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आपसी रंजिश या आपसी किसी झगड़े की बात सामने आ रही है, तो जब तक कोई बात पूरी नहीं हो सकती है, अभी तक कोई भी निष्कर्ष पर पहुँचना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि कपिल मूसाखेड़ी का रहने वाला है और वह अपने दोस्तों के साथ सहयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित वीडियो कॉलोनी में जुआ खेल रहा था, तभी बदमाशों ने आकर हमला कर दिया। वारदात के बाद पुलिस को मौके से ताश पत्ते सहित जमीन पर कुछ नकद रुपए भी पड़े हुए मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चमकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।